Hello brilliant students, how are you? This time we are doing for class 8th exercise 13.1 question number 2. Hame kya given hai? A mixture of paint is prepared by mixing one part of red pigments with 8 parts of base. एक मिक्सचर बनाया गया है पेंट करने के लिए, कैसे? एक पार्ट रेड पिगमेंट होगा तो उस एक पार्ट के साथ बेस जो कलर है वो 8 पार्ट्स होगा. ओके, इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडेड. हमें वो बेस पार्ट्स निकालना है जो कि जरूरत होगी अगर रेड पिगमेंट 4 पार्ट्स हो, 7 पार्ट्स हो, 12 पार्ट्स हो और 20 पार्ट्स हो. तो हमने जितना बेस चाहिए होगा उसे कोई ना कोई वेरिएबल तो लेना होगा ना, तो वो वेरिएबल मैंने लिया यहाँ पर ए बी सी एंड डी. ओके, तो पहले आपको टेबल लिखनी होगी जो कि या तो गिवन होगी या फिर आपको खुद बनानी होगी इसी तरीके से, जिसमें ये वाले जो पार्ट है वो एक्स के रूप में हम लेंगे वेरिएबल और नीचे वाले जो होंगे वो वाई के रूप में लेंगे. मतलब एक्स वन बाई में वाई वन इज टू एक्स टू बाई में वाई टू. ये एक्स के लिए, ये वाई के लिए. एक्स वन बाई में एक्स टू इजल टू वाई वन बाई में वाई टू, एक्स वन बाई में एक्स टू इजल टू वाई वन बाई में वाई टू, एक्स वन बाई में एक्स टू इजल टू वाई वन बाई में वाई टू. इस तरीके से हम लेंगे. तो पहले टेबल बनानी होगी, उसके बाद ये स्टेटमेंट जरूर लिखनी है. बिकॉज द अबव टेबल इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन सो, ये स्टेटमेंट क्यों लिखी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्यों है? क्योंकि अगर हमने कलर करवाना है अपने घर पर तो अगर रेड पार्ट 1 है और बेस पार्ट 8 है तो अगर हमने ये बढ़ा दिया तो हमें ये जो बेस है ये भी बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर ये 4 हो गया और ये उतने का उतना ही रहा तो वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा कलर. सेम कलर करने के लिए हमें ये वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, बढ़े तो बढ़े, घटे तो घटे, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है. तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की टेबल हमें ये स्टेटमेंट लिखनी है क्योंकि अबव टेबल जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. सो उसके बाद नेक्स्ट होगा वो आपको लिखना है फार्मूला, जो इसके लिए स्टेटमेंट होगी उसके बाद फार्मूला. एक्स वन बाय में वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन में वाई टू. ओके, एक्स वन क्या है? 1 अपॉन में 8 इजिकल टू 4 अपॉन में ए. अब देखिए यहाँ पे चार चीजें हैं, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें तो गिवन है और चौथी चीज हमें निकालनी है. तो हमें इन दोनों में से एक ये साइड है और एक ये साइड है, इसमें से कोई एक साइड ऐसी जरूर लेनी है जिसमें हमें दोनों न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर गिवन हो. तो यहाँ पे हमें ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ये वाली ही दे रखी है, तो इसको ही हम ले करके बाकी सब वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी. ये डेनोमिनेटर है, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाकर के न्यूमरेटर में आ जाएगा. ये डेनोमिनेटर है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर के ये न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो यहाँ कर लेते हैं इक्वल टू, ये गया ऊपर 1 इंटू ए, 8 इंटू 4 32. ओके, आप चाहे तो एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं, वो क्या होगी? 1 इंटू ए इजल टू 4 इंटू 8, इसके बाद फिर ये. तो हमारी जो ए की वैल्यू आई है वो आई 32, इसका 8 गुना. इसी तरीके से बाकी के भी हम गेट करेंगे वेरिएबल्स. सेकंड, देखिए ये तो स्पेस कम होने की वजह से मैंने उस तरफ लिखा है, लेकिन आप तो इसके नीचे लिखेंगे ना जब करेंगे, तो इसलिए मैंने ये अबव लिखा है. आप अबव लिखिए,
सेकंड क्या होगा, सिमिलरली x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2, यानी कि 1 अपॉन में 8 इज इक्वल टू 7 अपॉन में b, ये इधर जाएगा, b इंटू में 1 इज इक्वल टू 7 इंटू में 8, यानी कि b की वैल्यू जो है वो आई 56। ओके एंड 1 अपॉन में 8 इज इक्वल टू 12 अपॉन में c, c की वैल्यू आई 96 और 1 अपॉन में 8 इज इक्वल टू 20 अपॉन में d, तो d की वैल्यू जो आई है वो होगी 12 8 160। ओके तो हमने सब वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो बी की वैल्यू आई है वो है 56, सी की वैल्यू आई वो 96 और इसकी वैल्यू आई है 160। ओके दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन।